अस्सलाम वालेकुम। सॉप इंडस्ट्री, इस टॉपिक में आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है रॉ मटेरियल। इन सॉप इंडस्ट्री, अगर आप साबुन वगैरह तैयार करना चाहते हैं, साबुन या डिटर्जेंट वगैरह, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों को तैयार कर लोगे। देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन में तो हमने चीज़ें काफ़ी सारी डिस्कस कर ली हैं। मतलब रॉ मटेरियल दो ही तरह के हो सकते हैं। पहले नंबर पर जो बेसिक रॉ मटेरियल वो दो ही हैं, याद रखिएगा, जो बेसिक रॉ मटेरियल हैं वो दो ही हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर हमें फैट या फिर ऑयल चाहिए, इसके साथ कोई भी अल्कली चाहिए। वो अल्कली आपके पास हो सकती है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इनको मिलाने से हमारे पास सॉप तैयार होता है। अब देखें, रॉ मटेरियल में बेसिकली हमें चीज़ें वो बताएगा जहाँ से हम फैट हासिल कर सकते हैं या फिर ऑयल हासिल कर सकते हैं। फैट या फिर ऑयल ओन हासिल कर रहे होते हैं तो वो वाली चीज़ें बताएगा। चंदे का नाम याद रख लीजिएगा, सिंपल सा टॉपिक, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और ना ही इसको कॉम्प्लेक्स कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, क्या जो फैट और ऑयल है ना, इनको दो तरह की क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर रखा है, फैट एंड ऑयल्स आर क्लासिफाइड एज, एक हम कह रहे होते हैं लॉरिक फैट एंड ऑयल्स, LAURIC, लॉरिक फैट या फिर ऑयल्स, और एक होते हैं हमारे पास नॉन लॉरिक फैट या फिर ऑयल्स। अब अगर वो सोर्सेज जहां से हम ऑयल हासिल कर सकते हैं, चंद एक नाम याद रख लीजिएगा, ऑयल्स या सोर्सेज ऑफ ऑयल्स आर, इस तरह कर लें, सोर्सेज ऑफ ऑयल्स आर, चंद एक नाम आपने याद रखने हैं, तो पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, इसके बाद नेक्स्ट कास्टर ऑयल, नीम ऑयल। कभी साबुन वगैरह में देखा होगा उसमें नीम के भी वो दे रहे होते हैं कि इसमें नीम डाली गई है। बेसिकली नीम का पौधा नहीं होता, वहाँ से ऑयल निकाल के उसको यूज़ कर रहे होते हैं। कर्नल ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल एंड एनिमल फैट। एनिमल फैट की एक स्पेशल केस में सच है, ये स्पेशली टालो। बच्चे, इनमें से ना सिर्फ चंद एक नाम याद रखें जो कि आपको आसानी से याद हो सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने ऑयल यहाँ पे लिखे हैं, अगर इसके अलावा कोई और जहन में आ रहा है आपके ऑयल, वो भी आप लिख सकते हो। कोई भी ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं साबुन मैन्युफैक्चरिंग में, सही है। तो नॉर्मली पता क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन या नॉर्मली हमारे पास जो सॉप बन रहा होता है उसमें दो चीज़ों को शामिल करते हैं। कितनी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं? दो चीज़ों को। उसमें तकरीबन 75% ऑयल के हवाले से अगर देखा जाए तो 75 से 85% हम उसमें डालते हैं टालो, जो कि एनिमल से हासिल होती है। और इसके अलावा 15 से लेके 25% हम इसमें डालते हैं कोकोनट ऑयल। इन दो चीज़ों को मिला रहे होते हैं, 75% से लेके 85% तक टालो, जो कि अमूमन एनिमल ऑयल या चर्बी, आप कह सकते हैं चर्बी के ज़माने में थोड़ा बहुत ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते इसको। देखिए, ये बटर की फॉर्म में अमूमन हमारे पास आ रहा था टालो,
और इसके अलावा हमारे पास 15 से लेकर 25% कोकोनट ऑयल डाल रहे होते हैं। और हमारे पास जो अमूमन ऑयल बनाए जाते हैं उनमें कार्बन 12 से लेकर 18 तक हो सकते हैं। द ऑयल्स कॉन्टेन कार्बन 12 टू कार्बन 18। अब इनमें ना दो क्लासेस आगे कर रखी हैं, कार्बन 12 को थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन करेगा और कार्बन 14 तक। और इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा कार्बन 16 से लेकर कार्बन 18 तक। कहते जो कार्बन 12 से लेकर 14 तक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑयल जिसमें कार्बन 12 से लेकर 14 तक होते हैं, मैंने आपको बता रखा है ऑयल्स आर बेसिकली ट्राइग्लिसराइड। इनका जनरल फार्मूला अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है जिसमें CH2 दरमियान में एक साइड पे, CH दरमियान में, इसके CH2 इस साइड पे लगेगा, ये सारे के सारे जुड़े होते हैं ऑक्सीजन एटम के साथ और ये सारे के सारे आगे फैटी एसिड के एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल और तीसरे मॉलिक्यूल फैटी एसिड के साथ जुड़े होते हैं। सही है, तीन फैटी एसिड मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं। अब ये जो R है, ये R की बात कर रहा है, R 12 से लेके 14 तक हो सकता है, ये वाला भी R 12 से लेके 14 तक, ये भी R 12 से लेके 14 तक, 12 से लेके सॉरी 18 तक हो सकता है। अगर ये वाला R 12 से लेके 14 तक हो तो याद रखिएगा उस सॉप में जो लेदर फॉर्मेशन है वो बड़ी जल्दी होती है लेकिन स्टेबल नहीं होती। लेदर फॉर्म क्विकली, लेदर मतलब लेदर कहते हैं झाग को, लेदर फॉर्म क्विकली, लेदर बड़ी जल्दी बनती है। इट इज़ अनस्टेबल लेकिन ये स्टेबल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल इसका रिवर्स है, लेदर फॉर्म स्लोली लेकिन स्टेबल होती है, लेदर फॉर्म स्लोली बट इट इज़ स्टेबल लेकिन ये स्टेबल होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो ऑयल्स आ रहे होते हैं इसमें कार्बन 12 से लेकर 18 तक होते हैं, कार्बन 12 से लेकर 14 तक अगर उस फैटी ऑयल के अंदर मौजूद हैं तो वहाँ पे झाग बड़ी जल्दी बनती है लेकिन बड़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, स्टेबल नहीं होती। अगर 16 से लेकर 18 तक होते हैं झाग थोड़ी सी लेट बनती है लेकिन वो स्टेबल होती है। ये छोटी सी बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद ना हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ याद रखनी है, अब सोप जब बनाया जाता है ना, अगर हम इन दो चीज़ों को मिला के, फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला के सोप बनाएं तो उसमें बदबू आती है, उसको आप इस्तेमाल करने काबिल नहीं है, आप उसको नहा नहीं सकते। हाँ ये है कि आपके जिस्म में अगर कोई मैल वगैरह या इस तरह कोई भी शायद वो निकाल देगा, लेकिन वो सोप यूज़ करने के बाद आपके जिस्म में से सोप की बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो हम इसमें कुछ रॉ मटेरियल को तो परफ्यूम ऐड करते हैं या फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं। नेक्स्ट रॉ मटेरियल, मतलब इन दो रॉ मटेरियल को एक्सप्लेन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्रेग्रेंस या फिर इसकी जगह पे परफ्यूम, एक वर्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, परफ्यूम वगैरह ऐड कर देते हैं टू गिव स्मेल। आप देखो मुख्तलिफ साबुन उठा के चेक करो, उनकी मुख्तलिफ स्मेल्स आ रही होती हैं, मतलब उसके अंदर परफ्यूम कोई ना कोई तो खुशबू इस्तेमाल की गई है। सही है, तो इसके बाद इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे थे सोडियम सिलिकेट। यह क्या कर रहा होता है, गिव फिर्मनेस टू सोप। यह सोप को मजबूती दे रहा होता है। किस लिहाज से मजबूती दे रहा होता है, देखो बाज़ दफ़ा सोप अगर पानी में पड़ा रहे ना नरम हो जाता है, लेकिन कुछ सोप इस तरह का होता है अगर उसमें ये वाली चीज़ ना डाली जाए वो ऑटोमेटिकली शुरू से नरम होते हैं। अब उनको सख्त बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए उसमें हम सोडियम सिलिकेट डाल रहे होते हैं। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट भी ऐड कर रहे होते हैं इसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट, और लास्ट में हम कुछ ना कुछ इसमें डाइज़ वगैरह भी ऐड कर रहे होते हैं। डाइज़ किस लिए ऐड करते हैं बच्चे, याद रखिएगा डाई का जहाँ पे वर्ड आ जाए इसका मतलब टू गिव कलर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक
कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कलर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस काम के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को कलर देने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद ना कुछ फैटी एसिड्स हैं और कुछ ऑयल्स हैं। अब हमने ये देखना है कि किन किन ऑयल्स के अंदर कौन कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है। सही है, तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनेगा हमारे पास इस तरह का। यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, एक लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं, एक लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं। सही है, यहाँ पे लिखेंगे टालो, जो एनिमल से हासिल किया जाता है, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, और यहाँ पे लिखेंगे पाम ऑयल। सही है, और यहाँ पे लिखेंगे फैटी एसिड, यहाँ बेसिकली हम लिखेंगे फैटी एसिड्स। फैटी एसिड की दो चीज़ें लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम्स, और यहाँ पे लिखेंगे IUPAC नेम, IUPAC नेम। सबसे पहला हमारे पास एक फैटी एसिड लॉरिक एसिड, LAURIC लॉरिक एसिड। इसका IUPAC नेम है डो डिकेनोइक एसिड, डिकेनोइक एसिड। इसका फार्मूला होता है C12H22O2। अब ये वाला जो लॉरिक एसिड है, ये टालो में नहीं पाया जाता, कोकोनट ऑयल में ये मौजूद होता है और पाम ऑयल में भी ये नहीं पाया जाता। पाम ऑयल या कर्नल ऑयल में ये नहीं पाया जाता। इसके बाद नेक्स्ट जो फैटी एसिड हमने यहाँ पे बात करनी है वो है मेरिस्टिक एसिड, MYRISTIC मेरिस्टिक एसिड। इसका फार्मूला टेट्रा डिकेनोइक एसिड, डिकेनोइक एसिड है। टेट्रा का मतलब चार, डेक का मतलब होता है दस, दस और चार 14, मतलब इसमें कार्बन होंगे 14, C14H28O2। टालों में मेरिस्टिक एसिड पाया जाता है, कोकोनट ऑयल में मेरिस्टिक एसिड पाया जाता है, पाम ऑयल में मेरिस्टिक एसिड नहीं पाया जाता। ये बात सिंपल सी याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास फैटी एसिड है, इसका भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, वो है पाल्मेटिक एसिड। ओके, पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड से 15 रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब इसमें 15 कार्बन एटम होंगे। वो बता दो किस लिहाज से 15 कार्बन एटम होते हैं, लेकिन यहाँ पे चेक करो, इसका IUPAC नेम है हेक्सा डिकेनोइक एसिड। और हेक्सा डिकेनोइक एसिड का फार्मूला C16H32O2 है। बेसिकली इसका फार्मूला ये भी है, C15H31COOH, कार्बन 15, एक कार्बन ये वाला 15 और एक 16। मैं इस लिहाज से बता रहा था कि जो लॉन्ग चेन हमारे पास का ये वाली चीज अल्काइल रेडिकल आ रहा था ना, इसमें 15 कार्बन एटम होते हैं। सही है, तो अगर इस कंपाउंड पाल्मेटिक एसिड की बात की जाए तो ये टालों में भी पाया जाता है, कोकोनट ऑयल में पाया जाता है और पाम ऑयल में भी पाया जाता है। ये तीनों के तीनों कंपाउंड के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट है स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड का फार्मूला ऑक्टाडेकनोइक एसिड। और ऑक्टाडेकनोइक एसिड का अगर फार्मूला देखा जाए, C18, ऑक्टा का मतलब 8, डेक का मतलब 10 होता है, 10 और 8 18 कार्बन एटम होंगे। सही है, और इसके साथ H हाइड्रोजन एटम होंगे 36, ऑक्सीजन 2 होंगे। स्टीरिक एसिड की बात की जाए तो ये भी टालों में भी पाया जाता है, कोकोनट ऑयल में पाया जाता है और पाम ऑयल में भी मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑलिक एसिड,
ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड का फार्मूला देखा जाए तो हमारे पास है 9-octadecanoic acid। 9 का मतलब क्या, 9वें कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ऑक्टा डेकनोइक एसिड फार्मूला देखा जाए तो इसका C18H34O2 है। अब ये वाला ऑलिक एसिड टालों में पाया जाता है, कोकोनट ऑयल में नहीं होता और पाम ऑयल में भी नहीं होता। लास्ट वाली चीज़ हमारे पास लिनोलिक एसिड। इसका अगर फार्मूला देखा UPSC 9-12-octadecanoic acid। इसका फार्मूला देखा C18H32O2 होता है। अब ये वाला कंपाउंड टालों में पाया जाता है, कोकोनट ऑयल में नहीं होता और पाम ऑयल में ये वाला कंपाउंड होता है। पाम ऑयल में ये वाला कंपाउंड हमारे पास होता है। तो ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, था ये हमारे पास रॉ मटेरियल्स जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं कहाँ पे, या आप एक स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा। ये सोप इंडस्ट्री के अंदर सही लास्ट वाले IUPAC नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, अगर ये वाला भी कुछ ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट हो, लेकिन अगर वो बच्चा सारा कुछ नहीं कर सकता कम से कम ये चीज़ें चंद याद रखेगा कि हमारे पास सोप इंडस्ट्री में जो बेसिकली दो चीज़ें मिलाई जाती हैं वो फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब फैट और ऑयल लिए कहाँ से जाते हैं, वो चंद एक सोर्सेज यहाँ पर लिखे हैं। चंद एक ऑयल के नाम याद रखो, इन ऑयल के अंदर कौन कौन से फैटी एसिड पाए जाते हैं ये फैटी एसिड के नाम याद रखो, लोरिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, पालमेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलोइक एसिड, ये चंद एक एसिड के नाम याद रखने हैं। बाकी कुछ ज़्यादा ये चंद एक बातें बीच में अगर याद रख सकते तो रख लें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाली चीज़ें याद रख लेना कि हमारे पास फ्रेगनेंस इस्तेमाल की जाती है सोप के अंदर, सोडियम सिलिकेट इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट वगैरह डाइज वगैरह कलर देने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे। ये चंद एक चीज़ें आपने याद रखनी है, बाकी ये वाली जो चीज़ें बीच में मैंने लिखी हुई हैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा सही है, ये आपको हेल्प करेंगे आगे जब आप पढ़ेंगे। सही है, तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।